नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। ग्रहों के राजा सूर्य 8 जुलाई से 16 जुलाई की सुबह तक किन राशि वालों को नुकसान या हानि या परेशानी दे सकते हैं, हम उन राशियों की बात करेंगे इस वीडियो में। आपके सुख चैन छीन सकते हैं, आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी, उपाय की आवश्यकता होगी ताकि आप उपाय करके बुरे परिणामों से बच सकें। और किस राशि पर सूर्य होंगे भारी 8 से 16 जुलाई के मध्य, आइए बात करते हैं। जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। नाम राशि से देखकर भी लाभ उठा सकते हैं, लग्न राशि से भी लाभ उठा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य चंद्र राशि से होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को भी जरूर दबा दें। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो पहली राशि, वृषभ राशि। सूर्य आपके धन भाव में गोचर करेंगे, आपकी मेहनत से पराक्रम से आप बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन आपको हानि होगी। आपकी हानि के जिम्मेदार आप नहीं होंगे, प्रकृति, देश, काल, वक्त इसका जिम्मेदार होगा। आपने सब कुछ पकाया खाया, कोई चोरी करके ले गया, आपने सब कुछ किया, बाढ़ आ गई, कोई आपने सब कुछ किया, कोई बीमारी आ गई, यानी कि जिम्मेदार आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी नुकसान आपका ही हो रहा है। आपके प्रियजन आपसे नाराज हो सकते हैं, सेहत में आंख नाक कान में कष्ट हो सकता है, जरा सी भी तकलीफ होने पर डॉक्टर से दवा जरूर करें। कार्य में विलंब हो तो घबराएं नहीं, कार्य पूरा होगा लेकिन विलंब के साथ पूरा होगा। मान सम्मान में कमी होगी, आपको वादा करने से पहले सोच लेना चाहिए कि वादे निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। सोच समझ कर एक एक शब्द बोले, अपने घर परिवार नौकरी में ध्यान पूर्वक कदम आगे बढ़ाएं, जल्दबाजी से काम बिगड़ेगा। 16 जुलाई तक एक एक कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाएं। अत्यधिक खाना, अत्यधिक तला भुना, ये सब चीज़ें खाना आपको बहुत नुकसान दे सकता है, परिवार में तनाव पैदा हो सकता है। मुँह आँख नाक कान के रोग में जल्द डॉक्टर को दिखाएं, ये मैं आपको फिर से दोबारा कह रहा हूँ। आपके जीवन में वक्त गड़बड़ी करेगा और आप सब कुछ अच्छा करते चलेंगे, एक हाथ से आप कमा रहे हैं, पता चला दूसरे हाथ से चला गया, यानी कि प्रकृति और दूसरे लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। गेहूं का दान करना, पिताजी का आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। मिथुन राशि है अगली राशि, आपको भी सावधान रहना होगा, आपकी खुशियों पर नजर लग सकती है। आपके आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में हानि होने की संभावना है। नौकरी में होता होता प्रमोशन रुक जाएगा, कुछ दिनों के बाद हो जाएगा, लेकिन इन दिनों में रुक जाएगा तो आपको बड़ी निराशा होगी। नौकरी में वाद विवाद हो सकता है, घर के बाहर वाद विवाद हो सकता है, बदनामी हो सकती है, बदनामी की वजह से तनाव बढ़ सकता है, आपका पेट गड़बड़ हो सकता है। सेहत को बढ़िया रखने के हर संभव प्रयास करिएगा। घर से आपकी दूरी हो सकती है, आपके रिश्तों में तकरार हो सकती है, आपको कहीं दूर जाके काम करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है। और क्रोध बिल्कुल भी ना करें, अहंकार बिल्कुल भी ना करें। गुड़ का दान करने से लाभ होगा, सूर्य के मंत्रों का जाप प्रतिदिन करें तो भी लाभ होगा, पिताजी का आशीर्वाद लें लाभ होगा। मिथुन राशि भी सावधान है इस समय काल में। कर्क राशि अगली राशि है जिसको सावधान रहना है, आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। धन संबंधी कोई भी मामला हो उसे सोच विचार कर हल करना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने के पूर्ण संकेत हैं, आपकी हानि के साथ बदनामी हो सकती है, पिता के रोग बढ़ सकते हैं, पिता की दवा दारू पे खर्चा हो सकता है, नौकरी में डांट पड़ सकती है, आपका संबंध बॉस से खराब हो सकता है, कारोबार में हानि हो सकती है, लड़ाई झगड़ों बहसबाजी से बचना होगा, तभी ये वक्त ठीक से बीतेगा। यात्रा बहुत सावधानीपूर्वक करनी होगी, यात्राओं से बचना होगा, सेहत का ध्यान रखना होगा, आँख कान में पीड़ा हो सकती है, खर्चे कंट्रोल करने होंगे, जीवन साथी और पिता की सेहत पर खर्च बढ़ सकता है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें और उनकी उपासना करें, लाभ होगा। वृश्चिक राशि है अगली राशि, आपकी जो ये वक्त है काफ़ी संभल कर बिताना होगा, आपकी सेहत पर इसका बहुत बड़ा बुरा असर होगा। पेट के रोग अत्यधिक पीड़ा दे सकते हैं, ऑपरेशन हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में पीड़ा बढ़ सकती है, पेट की अग्नि बढ़ सकती है। खान पान को बिल्कुल सात्विक और हल्का भोजन करें, मसालेदार तला भुना भोजन दूर कर दें अपने आप से। वाणी में क्रोध अहंकार घमंड दिखाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, वाणी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, विवादों से बचना चाहिए, झगड़ों को भुलाकर मित्रता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। व्यवहार में गड़बड़ हो सकती है, परिवार में आपसी जो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में मतभेद और तनाव हो सकता है, आपको बहुत बहुत सावधान रहना है।
वाहन की गति पर भी नियंत्रण रखना है, जुबान पर भी नियंत्रण रखना है। जुबान देखिए, एक तो जुबान बोलने वाली और एक जो चटोरी जुबान है खाने वाली, इन दोनों पर नियंत्रण रखना है। भगवान शिव को गुड़ का लेप लगाएं और जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्रों का यथासंभव जाप करें इस पूरे अंतराल में, तो लाभ की संभावनाएं बनेंगी। धनु राशि है अग्नि राशि, आपके अच्छे परिणाम मिलेंगे लेकिन अच्छे परिणाम चले जाएंगे, मिलके चला गया तो और दुख होता है, मिला ही नहीं तो क्या दुख, मिलके चला जाए तो और दुख है। अहंकार क्रोध आपका जो है वो आपको मिला हुआ सम्मान आपसे छीन लेगा। प्रेम संबंध में आगे बढ़ेंगे लेकिन अगर सत्य नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी को अपने फरेब में फंसाएंगे तो ऐसी बदनामी और ऐसी आपकी इज्जत उछलेगी समाज में कि देखते रह जाएंगे, किसी को फंसाइएगा मत। नौकरी व्यापार में लाभ नहीं होगा, सेहत के प्रति लापरवाही बड़ा नुकसान देगी, आपकी संतान से आपको कष्ट होगा। नौकरी व्यापार में बॉस के गुस्से से और बॉस के जो कठिन डिसीजन है उनसे आपको बचना होगा, नहीं तो बड़ा तनाव हो सकता है। व्यापार में अपने कर्मचारियों और पास पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा न करें, कई बार हम अपने ही शुभचिंतकों से लड़ने झगड़ने लगते हैं, उनसे उन सब बातों से बचना होगा हमें। अपनी आपकी एक गलती आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। दुर्गा जी की उपासना करें, इससे लाभ होगा। सूर्य को जल चढ़ाएं, गुस्सा कम करें, वाहन ठीक प्रकार से चलाएं, बिना सोचे समझे बिना जाने कुछ भी ना बोलें, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। बात करते हैं अगली राशि की, वो राशि कौन सी है, वो है कुंभ राशि। आपकी संतान से तनाव हो सकता है, प्रेम संबंधों में तकरार हो सकती है। जो भी महिलाएं 3 महीने से कम गर्भवती हैं, जिनका गर्भ अभी 3 महीने का नहीं हुआ है, सावधानी रखिएगा, इधर उधर घूमने मत जाइएगा, घर में रहिएगा, विशेष सावधानी रखिएगा। प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं, टूट सकते हैं, क्रोध अहंकार बढ़ सकता है, रिश्ते बिगड़ेंगे, वैवाहिक जीवन में तनाव बहुत होगा, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, पैसों का लेन देन ना करें, पैसा दिया तो मिलेगा नहीं और ले लिया तो कर्ज उतार नहीं पाएंगे। जुबान पे कंट्रोल रखें, बोलें भी अच्छा और खाएं भी अच्छा। और कुछ ऐसे शत्रु होंगे जो मुंह में मतलब आपके सामने जब होंगे आपके मुंह पर आपकी बहुत तारीफ करेंगे लेकिन पीठ से छुरा भोंक देंगे, खंजर भोंक देंगे, यानी कि दोस्त के रूप में शत्रु। सरकारी काम रुकेंगे, आटा गुड़ का दान करें रविवार को अच्छा रहेगा, गेहूं के आटे की बात हो रही है यहाँ पर, इसका दान करें बढ़िया रहेगा। एक राशि और है इसके बारे में भी जल्दी से बता देते हैं कि इसको भी नुकसान की संभावना है, वो है मीन राशि। परिवार पे तनाव रहेगा, माता पिता की सेहत बिगड़ सकती है, क्रोध अहंकार से बचना होगा, गुस्सा कम करना होगा, वाहन ठीक प्रकार से चलाना होगा और तनाव से बचना होगा, भगवान का स्मरण करना होगा, भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की उपासना करनी होगी, नहीं तो आपके जीवन में भी कष्ट इस समय अंतराल में आ सकता है। तो ये जितनी भी राशियां मैंने आपको बताई, इन राशि वालों को इस तारीख से, इस तारीख 8 से 16 तारीख तक सूर्य अपने बुरे परिणाम दे सकते हैं, सावधानी रखी तो बच जाएंगे, नहीं रखी तो फंस जाएंगे। और आप लोगों से कहना चाहूंगा, सावन के महीने में त्रिशक्ति रक्षा कवच धारण करना बहुत बढ़िया होता है और ये किस्मत वाले ही धारण कर पाते हैं। सामान्य जीवन में रुद्राक्ष का त्रिशक्ति रक्षा कवच धारण करना एक सौभाग्य पाने जैसा है। आप में से जो भी लोग त्रिशक्ति रक्षा कवच या बंध धारण करना चाहते हैं संपर्क करें। यश मान सम्मान प्रगति इन सब के लिए है, जादू टोने से बचाव के लिए, दुश्मन से मुक्ति के लिए है। और ये जो अभी मैंने आपको सूर्य के अशुभ प्रभाव बताए, अगर आपने पहना होगा तो इससे भी आपको काफी हद तक मुक्ति मिलेगी, ग्रहों के अशुभ प्रभावों से बचाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाएगा, परिवार में सुख शांति होगी, पैसा होगा, नौकरी होगी, व्यापार होगा, तनाव नहीं होगा। और त्रिशक्ति यानी कि तीन तरफ से आपकी हर बुरी चीज से आपकी सुरक्षा होगी। जो बुरा से बुरा आप सोच सकते हैं कि यह आपको नुकसान दे सकता है, उस बुराई से ये त्रिशक्ति लॉकेट आपको बचाएगा। चाहिए तो संपर्क करिए और व्हाट्सएप नंबर पे पूरी डिटेल्स पाने के लिए आप अपना नाम वगैरह लिख के भेज दीजिए और लिख दीजिए आपको इसकी डिटेल्स चाहिए, कितने का है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब जानकारी आपको मिल जाएगी। हरिओम, नमस्कार। नमस्कार। त्रिशक्ति, तीन शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन की शक्तियों से बना हुआ एक अद्भुत त्रिशक्ति रक्षा कवच जो आकाश पाताल और धरती
में जो भी अशुभ प्रभाव है उनसे आपको बचाएगा और ईश्वर की कृपा आपको देगा। ये ओरिजिनल प्योर सर्टिफाइड नेपाली रुद्राक्षों से बना हुआ, साथ में स्फटिक का भी प्रयोग किया है हमने, चांदी में बड़ा हुआ लाल धागे में महिला पुरुष बच्चे धारण कर सकते हैं। ये त्रिशक्ति रक्षा कवच, ये त्रिशक्ति बंध पैसा मान सम्मान दुखों से मुक्ति हेल्थ सब कुछ देगा। जिसका विवाह नहीं हुआ उसमें सहायता करेगा, जिसको संतान चाहिए उसकी सहायता होगी, जिसको पॉलिटिक्स में आगे जाना है उसकी सहायता होगी, जिसको शिक्षा में आगे जाना है, विदेश जाना है, शादी करनी है, प्रेम संबंध में समस्या है, सब चीज़ों में। मैंने क्या कहा, त्रिशक्ति। यहाँ पर कोई ऐसी चीज बची नहीं है जिससे आपको राहत ना मिले। आप में से जो भी लोग इसको लेना चाहते हैं दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, ये आपकी राशि के अनुसार बनाया जाएगा। ये कोई तैयार नहीं पड़े होंगे, जितने ऑर्डर्स आएंगे उतने ही बनेंगे, फिर भी बहुत लिमिटेड है। मंत्रों से अभिमंत्रित होगा और आप तक कोरियर से भेजा जाएगा। और साथ में अगर जिनको काल सर्व दोष है वो लोग काल सर्व दोष रक्षा कवच भी ले सकते हैं। सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करना एक ऐसी चीज है, समझ लीजिए ईश्वर की कृपा, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है। बड़ी मुश्किलों से लोग रुद्राक्ष धारण कर पाते हैं, इतना आसान नहीं होता है। अगर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है तो आप जरूर धारण कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कौन धारण करेगा कौन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कर पाएगा वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे और आजीवन सुखों को पाता रहे, क्योंकि शिव को अत्यंत प्रिय है रुद्राक्ष, और जिसके गले में रुद्राक्ष है वो शिव को पसंद है, और जो शिव को पसंद है उसको कोई कष्ट नहीं हो सकता। कष्ट कोई भी हो, शिव के लिए वो कष्ट हटाना चुटकियों का काम है। तो आप शिव के प्रिय बन जाइए, शिव आपके प्रिय बन जाएंगे। तो जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, ऑर्डर करिए, जैसे भी आपकी इच्छा करे वैसे करिए, और बुकिंग शीघ्र कराइए ताकि वक्त से चीजें तैयार होकर वक्त से आपको मिल जाए। हरिओम, नमस्कार।